नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान में। दोस्तों, पारस मणि का जिक्र पौराणिक ग्रंथों और लोक कथाओं में मिलता है। क्या वास्तव में पारस पत्थर होते हैं? इस पर हमारा कहना है जी हाँ, पारस पत्थर होता है। अगर दोस्तों धूप है तो छाया भी है, दिन है तो रात भी है, गरीबी है तो अमीरी भी है। ठीक उसी प्रकार पारस पत्थर यानी कि पारस पत्थर होता है, पर इनके बारे में अधिकतर लोगों को पता नहीं होता। जी हाँ, ये कैसा होता है, इनकी आकृति कैसे होती है, इनकी प्रकृति कैसे होती है, ठंडी या गर्म, अगर इतने को समझ ले तो आज भी संभव है पारस मणि या पारस पत्थर से स्वर्ण निर्माण करना और इसे ढूंढना। लेकिन इसमें कितना सच है केवल इसके प्रैक्टिकल के ही लोग बता सकते हैं, जो कि आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो इससे पहले अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल में इस प्रकार के यूजफुल वीडियो और प्राचीन ज्ञान की बात आप सभी मित्रों को फ्री में सिखाए जाते हैं। तो हमारे एक आयुर्वेदाचार्य हुए जिसे हम एक प्रकार के रस विज्ञानकर्ता भी बोल सकते हैं, नागा अर्जुन। जी हाँ, नागा अर्जुन के अनुसार पारस पत्थर होता है जिनकी रंग लाल या चमकते हुए श्वेत कलर की होती हैं और इनकी जो तासीर होती गर्म होती, इनकी जो बनावट होती पत्थर के जैसा होती हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा चमक होते हैं। भारत में आज भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर पारस पत्थर होने का जिक्र मिलता है, जैसे कि हिमालय पर्वत पर। पारस पत्थर सेम दोस्तों पारद की तरह ही होता है, जैसे कि हमने अपने वीडियो में बहुत सारे पारद गुटिका बता चुके हैं, सेम उसी की तरह दिखाई देते हैं। प्राचीन समय में लोग कौवे का सहारा लेकर के पारस पत्थर ढूंढ लेते थे और आज भी संभव है कौवे से पारस पत्थर ढूंढना। अधिकतर जो प्राचीन समय के संत महात्मा थे उन्हें पारस पत्थर का जानकारी होता था, अपने भक्तों को या जो उनके ज्यादा भक्त थे उन्हें पारस मणि ला करके देते थे हिमालय पर्वत से ढूंढ करके। लेकिन समाज में दुरुपयोग बढ़ने के कारण इस जानकारी को संत महात्मा लोग कंठ तक रखना ही सीमित समझा और इसके दुरुपयोग को समाज में बचाने लगे। प्राचीन समय के पारस पत्थर ढूंढने के लिए कौवे के पैर पर लोहे का छल्ला बांध दिया करते थे और कौवे को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया करते थे या हिमालय पर कौवे को छोड़ा जाता था। कौवे का पैर में बंधा हुआ छल्ला जब पारस पत्थर से स्पर्श होता था तो वह छल्ला तुरंत सोने में बन जाता था, यानी कि सोने में बदल जाता था। फिर लोग जो है कौवे का पीछे पड़ जाते थे और पारस पत्थर ढूंढ लेते थे। यह है पारस पत्थर होने का प्राचीन सबूत और आज भी है पारस पत्थर, इसमें दो मत वाले बात ही नहीं है। लेकिन अधिकतर गुरु ने यह जानकारी को छुपा के रखें, अपने कंठ में दबा करके ही रखें। हमारी संपर्क में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पारस मणि और पारस पत्थर का ज्ञान है, लेकिन लोगों को समाज में दुरुपयोग हेतु जानकारी नहीं बताते। तो मित्रों, कोशिश करता हूँ प्राचीन ज्ञान की जो छोटी छोटी जानकारी आप सभी मित्रों को सिखाता हूँ, ये जरूर पसंद आता होगा। तो आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूँ, मैं जल्द जुड़ता हूँ किसी नए और फ्रेश जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।